प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक प्रदेश के दौरों को लेकर बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ आएंगे और 5 अक्टूबर को जोधपुर दौरे का कार्यक्रम बन रहा है प्रधानमंत्री का। बड़ी अपडेट है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के, विकास कार्यों के शिलान्यास के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। जोधपुर में एयरपोर्ट भवन, एलिवेटेड रोड का शिलान्यास करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें, जोधपुर के दौरे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे, चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे और इसके बाद 5 अक्टूबर को जोधपुर के दौरे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का बन रहा है। यहां पर विकास कार्यों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री और साथ ही साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, 5 अक्टूबर को जोधपुर दौरे का कार्यक्रम बन रहा है और यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट भवन, एलिवेटेड रोड का शिलान्यास करेंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बैक टू बैक प्रधानमंत्री के दौरे राजस्थान में, सबसे पहले 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अभी हाल ही में जयपुर में उन्होंने अंतिम सभा को संबोधित किया था, अब 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 5 अक्टूबर को इसके बाद जोधपुर में उनकी सभा का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है और जोधपुर में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट भवन, एलिवेटेड रोड का शिलान्यास करेंगे, सौगात देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रदेश के बैक टू बैक दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, पहले चित्तौड़गढ़ के दौरे की खबर है और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे जोधपुर। 5 तारीख को प्रधानमंत्री का जोधपुर का दौरा बन रहा है।